स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बॉल थ्रो। दोस्तों ये इवेंट है दिल्ली स्टेट में खेला जाता है अंडर 12 एज में, अंडर 12 अंडर 14। अगर अंडर 12 अंडर 14 के बच्चे जितने भी हैं अगर दिल्ली स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें एक इवेंट है, आपको 50 मीटर आपको रनिंग करनी है और बॉल थ्रो करना है। एक इवेंट और है बॉल थ्रो, तो जितने भी अंडर 12 अंडर 14 के हैं आपको बॉलिंग बॉल थ्रो करना है, तो वो भी एक इवेंट है, तो वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले क्या एक्सरसाइज करनी है आपको, अपना शोल्डर मजबूत करना है, ठीक है। आर्म अगर आपके स्ट्रॉन्ग है जब भी आप ज़्यादा दूर तक ज़्यादा डिस्टेंस पर बॉल फेंक सकते हो, तो इसके लिए क्या स्ट्रेचिंग करनी है पहले हम दिखाते हैं आपको। 6 7 8 9 रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 ठीक है, दोनों से 1 2 3 4 5 एक पैर ऊपर और एक हाथ ऊपर। जब हम बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे शोल्डर से जान लगानी, तो हमें क्या करना है, स्टेप मारना सर नीचे, ठीक है, और प्रेशर देना है शोल्डर को। दोस्तों जो हमने अभी वार्म अप करा है, स्ट्रेचिंग करी है, और अभी हम बताते हैं, देखते हैं कितनी दूर, तो कौन कौन कितनी दूर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो आइए आप वीडियो पूरी एंड तक देखिए, तो आपको भी अगर पार्टिसिपेट करना है अंडर 12 अंडर 14 में बॉलिंग थ्रो में, तो आप भी ज़रा ये एक्सरसाइज सीखिए और देखते हैं कितनी दूर तक जाते हैं। चलो भाई पीछे लाइन लगाओ, ठीक है, तो प्रॉपर दिखाइए यहाँ से भागते हुए, फिर बॉल को दिखाना। तो ये देखो कहाँ तक इसकी बॉल गई है, इसकी बॉल गई है कम से कम 40 मीटर तक गई है इसकी बॉल। तो आगे भी देखिए बच्चे हैं और भी, तो धीरे धीरे इनकी बारी आएगी। चलो बॉलिंग, तो फेंको फेंको बेटे, तो इसकी देखो 50 मीटर 40 मीटर तक जा रही है बच्चों की सबकी।